हेलो मेरे प्यारे गेमिंग के दीवानों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इनक्रेडिबल गेम प्ले वीडियो में, जहां पर गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस वैसे आज का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रहा है, और भाई आज हमारे माइकल को भी काफ़ी ज़्यादा काम है। और भाई उसमें सबसे पहला काम यही है कि आज भाई माइकल को एक रॉयल कार की डिलीवरी लेने जाना है, क्योंकि भाई हमारा माइकल काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक न्यू रॉयल कार ले, क्योंकि गाइस हमारे पास सुपर कार है और रेसिंग कार भी है, लेकिन गाइस रॉयल कार के बिना फुल गैंगस्टर वाली फीलिंग नहीं आती। तो गाइस आज हम रॉयल कार लेने की सोच रहे हैं, और वैसे भाई यहां पर हमारी खड़ी रेसिंग कार क्यों ही खतरनाक लग रही है। मतलब एक बार आप इसका लुक देखो, मतलब हाईली मॉडिफाई है, और भाई इसमें ये ग्रीन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन तो भाई लाजवाब लग रहा है। और भाई सामने की तरफ हमारा गैराज है, जो कि गाइस अभी तो आधा खाली है, क्योंकि गाइज अभी भी इसमें एक रॉयल कार की कमी है। तो गाइज आज हम वैसे वो रॉयल कार की डिलीवरी लेने ही जा रहे हैं, तो उसको लाते ही यहाँ पर इस वाले गैराज में पार्क करेंगे। और भाई यहाँ पर सामने खड़ी है हमारी मस्त फुल रियल हाईली मॉडिफाइड बाइक, जो कि भाई क्यों ही खतरनाक लगती है लुक में, और हॉर्न की आवाज़ तो फुल ही अलग लेवल की है। मतलब सबसे एपिक और सबसे फनी आवाज़ इसके हॉर्न की है। तो गाइस हमारी बाइक भी यहाँ पर खड़ी है, और भाई अभी कुछ ही टाइम में इसका साथी यानी एक रॉयल कार भी आने वाली है। तो गाइस फटाफट से फ्रैंकलिन से बात करते हैं, और भाई उसको पूछते हैं कि हमारे रॉयल कार का क्या हुआ, क्योंकि भाई ये गाड़ियों का सारा मामला फ्रैंकलिन को पता होता है, और हमने भी फ्रैंकलिन को ही बोला है कि मस्त एक रॉयल कार हमारे लिए बुक करा दे, और उसकी डिलीवरी आज के आज होनी चाहिए। तो गाइस फटाफट से हम फ्रैंकलिन को फ़ोन लगाते हैं, और भाई उससे पूछते हैं कि भाई हमारे रॉयल कार का क्या हुआ। सो ओके गाइस, अभी हमारी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, और भाई फ्रैंकलिन ने बोला है कि माइकल भैया तुम सीधे हमारे घर पे आ जाओ, और उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे कि भाई गाड़ी की डिलीवरी कहाँ से लेनी है, बाकी की सारी बातें। तो गाइस फटाफट से हमारे इस वाली सुपर कार को लेके चलते हैं, और वैसे गाइस ये सुपर कार काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलती है, और अबे भैंस की बोला था फास्ट चलती है, और भाई इसने हमारे घर के गेट को ही ठोक दिया भाई, मतलब इसकी स्पीड क्या ही खतरनाक है। तो भाई चेक कर लेते हैं इस पर कोई डेंट वेंट तो नहीं पड़ा। तो ओके गाइज इसमें डेंट वेंट तो नहीं पड़ा, क्योंकि वैसे गाइज हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो फटाफट से हमारी गाड़ी को यहाँ से उड़ा के लेके चलते हैं। वैसे गाइज इसको उड़ाना ही कहना सही होगा, क्योंकि भाई ये हाईवे पे तो गाड़ी ये चलती नहीं, सीधी उड़ती है, मतलब इसकी स्पीड अलग ही लेवल पे पकड़ लेती है। और वैसे भाई फ्रैंकलिन भी यहाँ पर नज़दीक ही रहता है, तो गाइस हम जल्दी से पहुँच जाएंगे। और वैसे भाई ये फ्रैंकलिन भी फुल अमीरों वाले एरिया में रहता है, मतलब यहाँ पर साइड में बंगलो भी क्या ही खतरनाक लग रहे हैं। तो ओके गाइज हम फाइनली फ्रैंकलिन के घर पे पहुंच चुके हैं, और हमारा फ्रैंकलिन भाई यहाँ पर बाहर ही खड़ा है, लगता है हमारी वेट कर रहा है। तो फटाफट से हमारे फ्रैंकलिन भैया से बात कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। सो ओके गाइज अभी हमारी फ्रैंकलिन भैया से बात हो चुकी है, और भाई फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि उसने वो रॉयल कार की डिलीवरी यहाँ नहीं, हमारे वाइनवुड वाले गैराज पे। सो यहाँ से फटाफट से यू टर्न मार के चलते हैं हमारे वाइनवुड वाले गैराज में। सो ओके गाइज अभी हम हमारी गाड़ी को लॉस सैंटोस की गलियों में घुमाते पहुँच चुके हैं हमारे वाइनवुड वाले गैराज में, और साइज से यही हमारा वो गैराज है। एक मिनट भाई कन्फर्म कर लेते हैं। हाँ भाई इतनी पुरानी दीवार तो हमारे वाइनवुड वाले गैराज की है। तो फटाफट से हमारी गाड़ी को इस पीछे वाले रास्ते से लेके चलते हैं, और यहाँ पर कई सही जगह दे के पार्क कर लेते हैं, और उसके बाद फ्रैंकलिन को पूछते हैं कि भाई कहाँ पर है हमारी रॉयल कार। तो यहाँ पर ये जगह सही लग रही है, तो यहाँ से अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं और चलते हैं। भाई फ्रैंकलिन से पहले बात कर लेते हैं, भाई आखिर हमारी कार है कहाँ, कि भाई अब मुझसे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं हो रहा, क्योंकि भाई मैं तो उस गाड़ी को देखने के लिए और भाई उसकी टेस्ट ड्राइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस फटाफट से चलते हैं, और वो वैसे गाड़ी आपको सामने दिख ही गई होगी, और आपने आइडिया भी लगा लिया होगा कि कौन सी वाली गाड़ी है। तो ये खड़ी गाइस हमारे सामने न्यू पेटी पैक फॉर्चूनर। तो गाइज आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए मेरी तरह। भाई साहब आप एक बार इस गाड़ी का लुक देखो, मतलब भाई ये फॉर्चूनर का आगे वाला लोगो, और भाई इसका ये वाइट कलर भाई इसमें क्यों ही खतरनाक लग रहा है। और उससे भी स्पेशल बात ये है कि गाइज ये वाली कार इंडियन कार है, तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो गाइज फटाफट से हमारी गाड़ी में बैठ के चलते हैं और टेस्ट ड्राइव वगैरह भी कर लेते हैं, और भाई उसके अलावा हमें अभी फ्रैंकलिन को पार्टी भी देने जाना होगा, क्योंकि फ्रैंकलिन पूरे रास्ते में हमसे पार्टी मांग के हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है। तो भाई इसको भी छोटी मोटी पार्टी देनी होगी। तो गाइज फटाफट से हमारी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं, और वैसे भाई गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ओबे भैंस की
भाई साहेब अभी अभी नई गाड़ी लिए, मतलब पहली बार चले और भाई इस बंदे ने हमारी गाड़ी ठोक दी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अब इस बंदे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। भाई तू रुक जा, तू थोड़ा सा रुक जा। फ्रैंकलिन भाई तू इस पे गोलियां बरसा, अब ये बचने नहीं वाला है। अपनी गाड़ी को फटाफट से यहाँ पे उसे घुमाते हैं, क्योंकि भाई अभी अभी गाड़ी को जस्ट न्यू लिया है और भाई इसने पहली बार भी हमारी गाड़ी पे डेंट लगा दिया। भाई तो तू तो बचने नहीं वाला है, मतलब कहाँ तक भागेगा तू? जितना भागना है भाई साहब आज भाग जा, क्योंकि आज तू हमारे हाथों से तो बचने बिल्कुल नहीं वाला है। तो गाइस फटाफट से इस वाली गाड़ी का पीछा करते हैं। और भाई एक मिनट भाई साहब, कहाँ जाएगा तू बच के? आज तू बचने नहीं वाला है। और वैसे भाई इस गाड़ी के बोनेट में से धुआं निकलने लग गया है और भाई लगता है इसका ड्राइवर भी शायद से नॉक हो चुका है। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब दिख नहीं रहा है। भाई इतनी रॉयल कार, वो भी नई नवेली कार को तू ठोक रहा है। भाई क्या समझ पे ठोक रहा है? एक मिनट, तू भाई साहब बाहर निकल, तुझको दो तीन लाते नहीं मारूंगा ना जब तक भाई मुझको चैन नहीं मिलेगा। भाई साहब अबे तेरी तो। और भाई साहब लगता है ये बंदा भी यहाँ से सलट चुका है, मतलब पहले ही अपने फ्रैंकलिन भैया ने इसको गोली मार दी थी, तो लगता है मतलब इसका काम तो यहीं पे तमाम हो चुका है। और भाई एक बार आप देखो, मतलब गाड़ी के अगले साइड पुल पूरा डेंट मार दिया है। तो भाई फ्रैंकलिन जल्दी से आ जा भाई, गाड़ी में बैठ जा, पूरे मूड का भाई सत्यानाश कर दिया है। मतलब क्या ही खतरनाक गाड़ी थी, और भाई पहले ही दिन पहले ही घंटे में इस गाड़ी पे डेंट पटक दिया है। तो गाइस यहाँ से फटाफट से हमारी गाड़ी को घुमा के लेके चलते हैं। और भाई अभी वैसे फ्रैंकलिन को बोला है पार्टी देने का, तो भाई उसको पार्टी तो देनी पड़ेगी। तो ओके गाइस, अभी मैं हमारे फ्रैंकलिन को पार्टी देने जा रहा था कि भाई इतने में ही हमारे पास आया है ड्राइवर का फ़ोन। और भाई ड्राइवर ने हमें बोला है कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो तुम जो भी काम कर रहे हो वो छोड़ छाड़ के सबसे पहले हमसे मद्रासों के घर पे मिलने आओ। तो गाइस अभी हमें फटाफट से मद्रासों के घर पे मिलने जाना होगा। तो सॉरी भाई फ्रैंकलिन, तुझे यहीं पे छोड़ रहा हूँ और तेरी पार्टी भी मुझ पे उतार है। फिर कई दिन तुझे पक्का पार्टी में लेके चलूंगा, लेकिन भाई अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो भाई ड्राइवर ने बुलाया है और भाई उसकी बातों से लग रहा था मतलब मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो हमें जल्दी से जल्दी मद्रासों के घर चलना ही होगा। और भाई वैसे मद्रासों का घर भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और वैसे वो पूरा ऑफ रोडिंग वाले एरिया में रहता है, तो इसी बहाने हमारी गाड़ी का ऑफ रोडिंग टेस्ट भी हो जाएगा। तो गाइस फटाफट से हमारी फॉर्चुनर को भगाते भगाते चलते हैं मद्रासों के घर। और वैसे भाई ये पूरा एरिया मतलब पूरा ऑफ रोड का है, और अपना फॉर्चुनर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है इस पूरी ऑफ रोड वाली सड़क पे। तो गाइस अभी हम फटाफट से हमारी गाड़ी को घुमाते घुमाते मद्रासों के घर पे पहुँचने ही वाले हैं। और वैसे भाई उस बंदे ने इस गाड़ी पे डेंट पटक दिया ना, तो इसी कारण गाइस मेरा पूरा मूड ख़राब हो चुका है। तो अभी हम मद्रासों के घर पे तो पहुँच चुके हैं। एक मिनट भाई, कंफर्म कर लेते हैं, नाम वाम पढ़ लेते हैं। हाँ भाई ऐसा ये वाला घर तो पक्का मद्रासों का ही है। तो भाई फटाफट से चलते हैं हमारी फॉर्चुनर को अंदर लेके चल के, और भाई इसको अंदर ही कहीं पार करेंगे, क्योंकि भाई पता चला नई नवेली कार है और भाई फिर कोई इससे बदमाशी कर दे। तो गाइस फटाफट से चलते हैं मद्रासों के घर। और वैसे लगता है गाइस अभी यहाँ पर ड्राइवर खुद आया नहीं है, उसने बोला था कि तुम भी फटाफट से मद्रासों के घर पर पहुँचो, और मैं भी यहाँ पर मद्रासों के घर पर आ रहा हूँ। तो लगता है वो अभी तक यहाँ पर पहुँचा नहीं है, क्योंकि भाई उसके पास वही अपना पुराना ट्रक है। तो अभी हम हमारी गाड़ी को यहाँ पर फुल पार्क कर लेते हैं, और वैसे यहाँ पर गाड़ी सेफ भी रहे। ओके गाइस, अभी मैं और हमारा ड्राइवर भाई साहब मद्रासों के घर में पहुंच चुके हैं। और भाई मद्रासों सच्ची में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और मद्रासों बोल रहा है कि हमसे मतलब हमें उसके लिए एक काम करना होगा। बेसिकली हमें फाइल चुरानी होगी, जो कि भाई मद्रासों के घर से किसी ने चुरा ली है, मतलब एक लड़का है जिसने मद्रासों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल चुरा ली है। तो हमें कुछ नहीं करना, उस लड़के को ढूंढना है और उससे वो फाइल्स वापस लानी है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम अभी ये है कि वो लड़का कुछ ही देर में यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना होने वाला है, तो भाई हमें जल्दी से जाकर उससे वो फाइल्स कैसे भी करके लेके आनी होगी। तो गाइस फटाफट से चलते हैं। और वैसे मद्रासों अभी उस लड़के की हमको तस्वीर भी बता रहा है, तो कोई नहीं मद्रासों, टेंशन ना ले, तेरी फाइल तुझे सही सलामत मिल जाएगी, क्योंकि भाई हमारे पास ड्राइवर है, तो कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि भाई वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगा। तो ओके गाइस, अभी मैं और हमारा ड्राइवर भाई साहब दोनों घर से बाहर आ चुके हैं, हमारी मद्रासों से बात भी हो चुकी है। और भाई यहाँ से अपना ड्राइवर तो फुल ऑन अपने काम में लग चुका है, मतलब इसने पूरे इतने से टाइम में पूरा प्लान बना लिया है, और अभी अपना ड्राइवर तो जा रहा है अपने प्लान को आगे कामयाब करने। और अब हमें भी फॉर्चुनर लेके जाना होगा, जहाँ पर हमें ड्राइवर ने लोकेशन भेजी है वहाँ पर, क्योंकि भाई अभी कुछ हम ज़्यादा ही अलग लेवल का एपिक करने वाले हैं। क्योंकि भाई वो लड़का वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, और भाई साहब वो प्लेन में भी बैठ चुका है। तो भाई अभी हमारे ड्राइवर ने
प्लान बनाया है, क्यों ना हम उस पूरे प्लान को ही क्रैश कर दे और फिर उससे वो फाइल चुरा ले। तो भाई इसके लिए हमारे ट्रेवर ने पूरा ऑन इंतजाम कर लिया और भाई हमारे मद्रासों ने भी इसमें हेल्प की है। तो गाइज अभी मैं तो जा रहा हूँ एक जगह पे जहाँ से हम अपनी गन से सीधा उस प्लेन को उड़ाने वाले हैं और भाई ड्राइवर भी अपना काम करने के लिए निकल चुका है। तो गाइस फटाफट से हमारी गाड़ी को लेके चलते हैं और वैसे भाई आज फॉर्च्यूनर की फुल ऑन ऑफरोडिंग होने वाली है। और तो ओके गाइस अभी हम हमारी वाली लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं हमारी फॉर्च्यूनर को लेके। तो गाइस फटाफट से हमारी फॉर्च्यूनर को यहीं पे इस पेड़ के पास पार्क कर लेते हैं और भाई हमें यहाँ पर एक वैन ढूंढनी है क्योंकि भाई ड्राइवर ने बोला है कि मैंने एक पूरी की पूरी वैन में तुम्हारे लिए पूरी मतलब सारी मशीनें और गन वन सेट करके रखी है जहाँ से भाई तुम सीधा उस प्लेन को उड़ा सकते हो। और भाई साहब ये रही ये खड़ी हमारी वैन और लगता है भाई ड्राइवर कुछ अलग लेवल की प्लानिंग कर रहा है लिया। और वैसे भाई इस वैन को देख के लग नहीं रहा है कि भाई ये पूरा एक प्लेन को उड़ाने में कामयाब होगी। तो भाई इसके अंदर बैठ के चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ सीन है। और भाई साहब अबे भैंस की मतलब क्या ही खतरनाक इतनी सी वैन में भाई साहब इतनी हाईली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी लगाई रखी है। और भाई यहाँ से हमें सीधा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट का व्यू दिख रहा है, मतलब जो भी यहाँ से प्लेन आती जाती है वो सारा यहाँ से दिख रहा है। तो भाई यहाँ से हमें सीधा टारगेट करके पूरी की पूरी एरोप्लेन को उड़ाना है, मतलब बेसिकली उसके इंजन को उड़ाना है। तो भाई फटाफट से इसके इंजन को भाई यहाँ से क्रैश करना और वैसे निशाना लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ भाई भाई एक गोली तो लग चुकी है और भाई लगभग इंजन तबाह होने वाला है और अब लगता भाई ये प्लेन जरूर से क्रैश होने वाला है। तो भाई अभी फटाफट से कैसे भी करके प्लेन क्रैश होता ही भाई हमें उस फाइल को बिना जले पकड़ना है। तो भाई आएगा असली मज़ा क्योंकि भाई तो अब बारी है ट्रेवर के अवतार में आने की और भाई हमारे ट्रेवर भाई साहब को जब तक ये प्लेन क्रैश नहीं होती भाई इसका फुली पीछा करना होगा और भाई ये पता नहीं ये प्लेन कहां पर जाके क्रैश होगी। तो भाई अभी हमें इसका फुल ऑन पीछा छोड़ने वाला नहीं है और फुल ऑन ऑफरोडिंग करते हुए हमें इसका पीछा करना है और भाई पता नहीं ये प्लेन कहां से जाने वाली है और वहां तक हमारे लिए रास्ता होगा भी नहीं भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी हमारा ड्राइवर वैसे पहाड़ों में से अपनी बाइक को लेके जा रहा है और भाई सामने की तरफ हाईवे तो दिख रहा है लेकिन भाई ये प्लेन यहां पर कहां रुकने वाली है। और भाई एक मिनट रास्ता ब्लॉक है, थोड़ी सी गाड़ी को घुमा लेते हैं और भाई यहाँ पर पूरी जंगल पड़ा हुआ है, मतलब सामने की तरफ पेड़ नालियाँ सब पड़ी है। लेकिन गाइस आज हमें कैसे भी करके इस भी प्लेन का पीछा नहीं छोड़ना है और भाई साहब हमारा ड्राइवर इसको पकड़ के रहना होगा। और भाई ये पता नहीं प्लेन कब से कहाँ जाने की सोच रही है, मतलब यहाँ पर पास पास में कोई रनवे भी नहीं है जहाँ देखते हैं कि भाई अभी हमारी ये प्लेन कहाँ पर जाके क्रैश हो। और वैसे भाई ड्राइवर और मद्रासों की इतनी बनती भी नहीं है, फिर भी भाई पता नहीं ड्राइवर ने इतना बढ़िया प्लान कहाँ से बनाया क्योंकि भाई ड्राइवर और मद्रासों की पहले भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है और भाई इनकी बेसिकली आपस में बनती भी नहीं है, फिर भी भाई ड्राइवर अपना आज फाइल को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड है। तो भाई फटाफट से इस प्लेन का पीछा करते हैं और भाई एक मिनट सामने से ट्रेन आ रही है और भाई साहेब मतलब क्या एक खतरनाक वाला स्टंट मारा भाई, ट्रेन के ऊपर से अपनी बाइक को चढ़ाते हुए हम आए हुए हैं। और भाई अभी अब तो फटाफट से इस प्लेन को लगता है भाई ये गिरने वाली है, तो फटाफट से इस जाले वाले को हटाते हैं और भाई चलते हैं। भाई प्लेन अब तो क्रैश हो जा भाई साहेब, कब से तुझे गोलियां मार के इंजन ख़राब किया भाई। लगता है गाइस अब ये प्लेन क्रैश ही होने वाली है क्योंकि भाई ये ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है और भाई इसमें धुआं भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सो फाइनली गाइज लगता है प्लेन यहाँ पर पास ही क्रैश हो चुकी है क्योंकि भाई यहाँ पर पास में से काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा है। और भाई साहब ये पड़ी हमारी प्लेन, मतलब अब जाके भाई साहब क्रैश हुई है और भाई क्या ही बुरी तरह से क्रैश हुई है, मतलब ये वाला बंदा तो भाई साहब लगभग मर ही चुका है और भाई सामने खड़ा बंदा इसको भाई चुपचाप से नॉक कर देते हैं और फिर लेकर चलते हैं यहाँ से फाइल। और ये वही बंदा होगा जिसकी हमें रसों ने हमें फ़ोटो बताई थी। तो भाई फटाफट से ये वाला बंदा तो सलट चुका है और अभी प्लेन में चलते हैं और फटाफट से वो वाली फाइल्स ले लेते हैं क्योंकि भाई पता नहीं वो फाइल्स कहीं जल ना जाए। ओके गाइज अभी हमारा ट्रेवर फाइल्स लेके फाइनली बाहर हो चुका है और भाई ट्रेवर की भी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है क्योंकि भाई एक तो ये कब से प्लेन के पीछे पड़ा है और लगता है अभी शायद से माइकल का फ़ोन आ चुका है। तो भाई ट्रेवर माइकल से बात कर रहा है और भाई हमारे ड्राइवर ने माइकल को बता दिया कि भाई इसने फाइल वाइल ले ली है और अभी ये सीधा मद्रासों के घर जाने वाला है और भाई तुम भी सीधा मद्रासों के घर पर आ जाओ। तो भाई अब हम भी सीधा मद्रासों के घर पर चलते हैं
और वैसे भाई सबसे पहले मुझे इस वैन को यहाँ से ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि भाई अगर किसी को पता चला भाई इस वैन में हाईली टेक्नोलॉजी वेपन है और भाई इसी से हमने प्लेन ब्लास्ट किया था, तो भाई पुलिस हमको छोड़ेगी नहीं। तो गाइस फटाफट से ये वाला एरिया यहाँ से खाली कर देता है, मतलब कई दूर जाके इस वाली वैन को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो यहाँ पर भाई रोड है, तो यहाँ रोड पे तो इस वाली वैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, तो भाई चलते हैं कहीं पहाड़ वाले एरिया में और वहाँ पर जाके इस वाली वैन को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ताकि गाइस हमारे प्लेन क्रैश का किसी के पास सबूत भी ना मिले। और भाई अपना माइकल फुली हैवी ड्राइवर बन के पहाड़ों पर अपनी वैन को लेके आ चुका है, मतलब सीधा पत्थरों पे ऊपर से कूदा रहा है। वैसे भाई अभी इस वैन को तबाह तो करना ही है, तो भाई इसके टायर वायर पंचर हुए तो हमको उससे क्या है। तो गाइस फटाफट से हमारी वैन को यहाँ पर तबाह कर देते हैं और भाई इसको जलाने से अच्छा है इसको स्टिकी बॉम्ब लगा के गाइस सीधा उड़ा देते हैं, क्योंकि भाई जला तो फिर भी इसमें कुछ सबूत रह सकते हैं। तो भाई फटाफट से इसमें स्टिकी बॉम्ब लगाते हैं और यहाँ पर एक दो बॉम्ब मैंने फेंक दिए और भाई एक दो बॉम्ब इसके साइड में भी लगा देते हैं, मतलब वैन पूरी तरह से ब्लास्ट होनी चाहिए, मतलब अंजर पंजर भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ब्लास्ट होना चाहिए। तो भाई फटाफट से स्टिकी बॉम्ब यहाँ पर इस पर लगा देते हैं। सो ओके गाइस, अभी हमने इस पर 5 से 6 स्टिकी बॉम्ब इंस्टॉल कर दिए और भाई अभी इस गाड़ी को ब्लास्ट करते हैं। ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक ब्लास्ट हुई है, मतलब इसके अब तो इसके अंजर पंजर भी नहीं मिलेंगे। तो गाइस अभी हमें भी यहाँ से फटाफट से निकलना चाहिए। ओके गाइस, अगर आपको हमारा आज का ये वाला गेम प्ले वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना और गाइस चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।